नमस्कार, स्वागत है आपका टुडे साउथ पर। हमने आपको कुछ महीनों पहले बताया था कि किस तरह मेगा स्टार चिरंजीवी ने खरीदे हैं राइट्स ब्लॉकबस्टर फिल्म लूसिफर के, जिसमें मोहनलाल ने काम किया था, और अब जो है इस फिल्म को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है चिरंजीवी ने। पहले उन्होंने जब इस फिल्म के बारे में सोचा तो कई एक नाम आ रहे थे सामने, सुकुमार का नाम आ रहा था, वीवी विनायक का नाम आ रहा था, यहाँ तक कि मैं रमेश का भी नाम आ रहा था। लेकिन फिर रामचरण ने जो है सजेस्ट किया सुजीत रेड्डी को, जिन्होंने अभी प्रभास की फिल्म साहू को डायरेक्ट किया था। ऑल्दो इस फिल्म को उतना ज़्यादा अट्रैक्शन मिला नहीं जितना मिलना चाहिए था, लेकिन स्टाइल बहुत अच्छा था और फिल्म की सिर्फ कहानी जो थी उसको जो है कई बार क्रिटिक्स ने कहा कि कहानी थोड़ी वीक थी। अब सवाल उठता है कि जब लूसिफर की कहानी हम ऑलरेडी जानते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहानी है, तो उसके बाद इसमें एक अगर स्टाइल क्वेश्चन वाला डायरेक्टर आ गया जिसको अच्छी कहानी मिल गई तो ये फिल्म एक अलग लेवल पे जा सकती है। तो चिरंजीवी ने ये अभी बताया हम लोगों को कुछ दिनों पहले कि जी हाँ, उन्होंने अनुमति दे दी है सुजीत को, इस पर स्क्रिप्ट को थोड़ा सा तब्दील करना होगा तेलुगु ऑडियंस के हिसाब से, और इस पर पूरी बातचीत हो चुकी है। अब मॉडिफाइड स्क्रिप्ट जो है वो उस पर काम चल रहा है। सुजीत इस समय जो क्वारंटाइन में बंद हैं वो इसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है सुजीत चिरू से मिल करके उसके बाद इसमें जो है क्या क्या तब्दीलियां की हैं उससे वाकिफ करवाएंगे। और जैसे ही फाइनल नरेशन कंप्लीट होगा उसमें अगर ज़्यादा तब्दीलियां नहीं हुई तो मेरे ख्याल से ये फिल्म जल्दी ही जाएगी फ्लोर के ऊपर। हालांकि चिरंजीवी ने एक बड़ी अजीब बात कह दी, उन्होंने कहा कि इस फिल्म को मैं भी कर सकता हूँ और यदि मेरे भाई पवन कल्याण इस फिल्म को करना चाहें तो मैं उन्हें ये फिल्म देने में इच्छुक हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पवन कल्याण इस फिल्म को बहुत ज़्यादा जस्टिस कर सकते हैं। तो देखें क्या होता है इवेंचुअली, हम आपको ज़रूर बताएंगे जैसे ही हमें खबर मिलती है। तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा, बहुत ही आवश्यक काम होता है। धन्यवाद।